हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा नाम है दानिश। आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी आइलैंड और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ यूनिवर्सल सीरियल बस के बारे में, जिसको हम आसान भाषा में बोलते हैं यूएसबी, जो हम डे टू डे लाइफ में काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। लेकिन इसके कई सारे टाइप्स होते हैं, कई सारे वर्जन होते हैं। जो अभी लेटेस्ट चल रहा है वो है यूएसबी टाइप सी। तो मैं यूएसबी टाइप सी को भी डिटेल में मैं एक्सप्लेन करूँगा और सारे जितने भी वर्जन हैं उनको भी एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये कितने टाइप से कनेक्टर होते हैं यूएसबी के। तो सिर्फ तीन टाइप से कनेक्टर्स होते हैं, जिसको हम बोलते हैं यूएसबी टाइप ए, यूएसबी टाइप बी और यूएसबी टाइप सी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूएसबी टाइप ए में कौन कौन सी यूएसबीज आती हैं। तो जो आपकी पेन ड्राइव्स होती हैं, जो आपने पेन ड्राइव्स आमतौर पर देखी हैं, तो उसको कहते हैं हम यूएसबी टाइप ए। तो ये काफ़ी टाइम से चल रही हैं। और जो आपकी चार्जिंग केबल होती हैं, जो उसके दूसरे एंड पर होते हैं, वो भी यूएसबी टाइप ए होते हैं। और साथ साथ में जो आप माइक्रो यूएसबी पोर्ट यूज़ करते हैं अपने मोबाइल के अंदर, जिससे आप चार्ज करते हैं अपने ज़्यादातर मोबाइलों को माइक्रो यूएसबी से, तो वो भी यूएसबी टाइप ए होती है। तो यूएसबी टाइप ए में ज़्यादातर यही केबल आती हैं और ये यूएसबी टाइप ए कहलाती हैं। तो यूएसबी टाइप ए में ये दो तरीके की केबल आती हैं। यूएसबी टाइप बी की बात करूँ तो जो आपने केबल प्रिंटर के लिए देखी होंगी, जो पुराने बीएसएनएल के मॉडम में यूज़ हुआ करती थी, वो यूएसबी टाइप बी की केबल होती हैं। और आपने एक चार्जिंग केबल भी देखी होगी जो बहुत पहले आती थी, जो सैमसंग के मोबाइलों में यूज़ हुआ करती थी या रिलायंस के मोबाइलों में यूज़ हुआ करती थी, उसको कहते हैं यूएसबी टाइप बी। अब यूएसबी टाइप सी में सिर्फ एक ही तरीके की केबल आती है, जो आपको आजकल के मोबाइलों में देखने को मिलती है। ये काफ़ी पतली होती है, काफ़ी छोटी होती है और काफ़ी कम जगह लेती है। और आमतौर पर आजकल आपको ये हर एक दूसरे मोबाइल में देखने को मिलेंगी, जो महंगे मोबाइल होंगे। मिड रेंज में अभी यूएसबी टाइप सी इतना नहीं मिलता है। तो ये तो हो गए कनेक्टर, कितने टाइप के कनेक्टर्स होते हैं, तो ये चीज़ तो आप समझ गए होंगे। लेकिन इसके अलावा कुछ वर्जन भी होते हैं, तो हम उस वर्जन की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है यूएसबी 1.0, उसके बाद आता है यूएसबी 2.0, उसके बाद आता है यूएसबी 3.0 और जो सबसे आखिरी है, जो इस टाइम चल रहा है, वो है यूएसबी 3.1। तो ये चार तरीके के वर्जन होते हैं। और एक चीज़ बता दूं, जो यूएसबी की टाइप होती हैं ए बी सी और जो वर्जन होते हैं, वो बिल्कुल ही अलग चीज़ है। इसको आप कभी भी मिलाना मत, ये बिल्कुल अलग चीज़ है। तो जो वर्जन है वो मैं आपको बताता हूँ। तो जो यूएसबी 1.0 है वो काम करता था 12 मेगाबिट्स पर सेकंड के ऊपर, तो ये काफ़ी हल्की स्पीड थी जो 1.0 वाला वर्जन था। और इसके बाद आया था यूएसबी 2.0, जो काम करता था 480 मेगाबिट्स पर सेकंड के ऊपर। ये एक डिसेंट स्पीड थी, जो आपको पुराने लैपटॉप्स हैं उसमें आपको यूएसबी 2.0 का पोर्ट मिलता है। तो जो पुराने कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स हैं उसमें आपको यूएसबी 2.0 मिलता है। और दोस्तों जो तीसरा वर्जन है वो है यूएसबी 3.0, जो कि काफ़ी फास्ट है। और यहाँ पर आपको नए जो लैपटॉप्स और नए जो कंप्यूटर्स हैं और नए हार्ड डिस्क हैं, उन सब में आपको 3.0 का सपोर्ट देखने को मिलता है। और जो यूएसबी 3.0 होता है वो आप देख सकते हैं कि उसमें ब्लू रंग की लाइन होती है, और जो आपका 2.0 होता है वो फुली ब्लैक होता है, मतलब पूरा ब्लैक होता है पोर्ट। लेकिन जो यूएसबी 3.0 होता है वो नीले रंग का पोर्ट होता है। और इसके बाद आता है यूएसबी 3.1, जो कि अभी लेटेस्ट है और सबसे ज़्यादा तेज़ है। तो दोस्तों ये तो उसके टाइप्स और वर्जन हो गए कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं यूएसबी के और कौन कौन से वर्जन होते हैं। तो आप ये तो समझ गए होंगे कितने टाइप्स की यूएसबी होती हैं और कितने टाइप्स के उसके वर्जन होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि पावर, जो यूएसबी पावर देती है वो कितनी पावर देती है। तो अगर हम बात करें यूएसबी 2.0 की, तो वो पावर देती है 500 मिली एम्पियर की, और जो आपकी यूएसबी 3.0 है वो पावर देती है 900 मिली एम्पियर की। लेकिन जो आपकी यूएसबी टाइप सी है वो आपकी पावर देती है 100 वॉट्स तक, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा पावर हो गई। तो यही एक फ़ायदा है यूएसबी टाइप सी का आज की तारीख में। जैसा आप देख सकते हैं, नई मैकबुक्स होती हैं वो चार्ज हो जाती हैं यूएसबी टाइप सी से, क्योंकि जो आम लैपटॉप की पावर होती है, जो उसको चाहिए होती है, वो होती है 70, 80, 90, बस इतनी वॉट तक होती है, 70, 80, 90 वॉट तक होती है। लेकिन ये 100 वॉट तक पावर देती है, जिससे आप अपना लैपटॉप भी चार्ज कर सकते हैं। आप यूएसबी टाइप ए या यूएसबी टाइप बी से चार्ज नहीं कर सकते, क्योंकि वो इतनी पावर नहीं दे सकती। आप चाहते हैं अगर मैं अपना जो लैपटॉप है मैं यूएसबी केबल से चार्ज कर लूँ, आप नहीं कर सकते, उसके लिए आपको पावर अडाप्टर चाहिए होगा। लेकिन अगर उसमें यूएसबी टाइप सी का पोर्ट है, तो आप यूएसबी टाइप सी से अपना लैपटॉप चार्ज कर सकते हैं। आपको कोई भी पावर अडाप्टर अलग से भारी लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, आप एक ही केबल से अपना जो लैपटॉप है वो भी चार्ज कर सकते हैं। तो जो यूएसबी टाइप सी के जो फ़ायदे हैं वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। जैसे अगर आपको कोई भी हार्ड डिस्क कनेक्ट करनी हो तो आप यूएसबी टाइप सी से कर सकते हैं, आपको कोई भी कार्ड कनेक्ट करना हो तो आप अपने यूएसबी टाइप सी से कर सकते हैं, आपको कोई भी हेडफोन कनेक्ट करना हो तो आप यूएसबी टाइप सी हेडफोन कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको अपने लैपटॉप से किसी डिस्प्ले को पावर देनी है, किसी मॉनिटर में लगाना है, तो आप उसको यूएसबी टाइप सी से कर सकते हैं। आपको थंडरबोल्ट, डिस्प्ले पोर्ट, HDMI, इन सब की किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। अगर आपके पास यूएसबी टाइप सी है, आप उसी से अपना लैपटॉप चार्ज कर सकते हैं, मतलब हर एक चीज़ आप उस यूएसबी टाइप सी से कर सकते हैं, आपको किसी भी दूसरे पोर्ट की ज़रूरत नहीं।
नहीं है, और यही सबसे बड़ी बात है जिसकी वजह से हर एक कंपनी आजकल यूएसबी टाइप सी में शिफ्ट हो रही है, और आने वाले टाइम में हर एक जगह आपको यूएसबी टाइप सी का पोर्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि ये आपकी डाटा भी ट्रांसफर करती है। इसकी इतनी तेज स्पीड होती है कि आपका सारा डाटा ट्रांसफर कर देगी, इतनी पावर होती है कि ये आपके लैपटॉप को चार्ज कर देगी, और इतनी तेज स्पीड होती है कि अगर आप कोई भी डिस्प्ले करेंगे, किसी भी एक्सटर्नल मॉनिटर को लगाएंगे अपने लैपटॉप से या अपने कंप्यूटर से, तो वो आराम से डिस्प्ले हो जाएगी उस मॉनिटर के अंदर। आपको कोई भी थंडरबोल्ट पोर्ट या डिस्प्ले पोर्ट, एचडीएमआई पोर्ट, इन सब चीज़ों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आप एक मिनट के लिए सोचिए कि आपका एक लैपटॉप है, उससे आप अपना हार्ड डिस्क भी कनेक्ट करे हुए हैं, हर चीज़ आप कनेक्ट करे हुए हैं, आप अपना डिस्प्ले भी कनेक्ट करे हुए हैं, तो आपको उसके लिए HDMI की ज़रूरत होगी, आपको अलग अलग तरीके की केबल की ज़रूरत होगी। लेकिन अगर आपके पास USB टाइप सी केबल है, आपको सिर्फ एक केबल की ज़रूरत होगी, आप उससे हर एक काम कर सकते हैं, उससे आप चार्ज भी कर सकते हैं, आप उससे अपना मॉनिटर भी लगा सकते हैं, उससे आप कोई भी फाइल मूव कर सकते हैं, या USB टाइप सी की जो पेन ड्राइव आती हैं आप उसको भी लगा सकते हैं, हर एक चीज़ लगा सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी खूबी है जो USB टाइप सी की है। इस वजह से USB टाइप ए, USB टाइप भी ये चीज़ें आपको आजकल देखने को नहीं मिल रही हैं जगह जगह। जो भी नई कंपनीज हैं वो शिफ्ट हो रही हैं USB टाइप सी के अंदर। लेकिन यहाँ पे कुछ मिस भी हैं, लेके USB टाइप सी को लेके मिस भी हैं, कि अगर आपके मोबाइल में USB टाइप सी का पोर्ट है तो इसका मतलब उसमें फास्ट चार्जिंग है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, या आपकी कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि उसने फास्ट चार्जिंग दी है कि नहीं दी है, क्योंकि ऐसे कई सारी चाइनीज़ कंपनीज हैं जिसमें आपको आजकल USB टाइप सी का पोर्ट देखने को मिल जाता है, लेकिन फिर भी उसमें फास्ट चार्जिंग नहीं होती है। जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल लेता हूँ, ये है मेरा एलिमैक्स 2, और मेरे घर में एक और मोबाइल है जो है लिनोवो ज़ूक Z2 प्लस। दोनों में USB टाइप सी पोर्ट है, दोनों में फास्ट चार्जिंग है, लेकिन जो मेरा एलिमैक्स 2 है शायद वो डेढ़ गुना ज़्यादा तेज़ चार्ज करता है ज़ूक Z2 प्लस से। जो फास्ट चार्जिंग होती है वो मेरे एलिमैक्स 2 में ज़्यादा तेज़ होती है ज़ूक Z2 प्लस से। तो ये चीज़ आपके हार्डवेयर पे डिपेंड करती है कि USB टाइप सी पोर्ट तो दे दिया, लेकिन उसको पूरी तरीके से इंप्लीमेंट किया है उस कंपनी ने कि नहीं किया है। क्योंकि USB टाइप सी तो कोई भी दे दे, लेकिन उसकी जो पूरी पावर है वो आपको मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो दोस्तों, ये मिथ है जो लोगों के दिमाग में, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि USB टाइप सी है तो आपको फास्ट चार्जिंग मिलेगी ही मिलेगी, जैसे आपको OnePlus 2 में देखने को मिली थी जिसमें USB टाइप सी पोर्ट था लेकिन आपकी कहीं भी फास्ट चार्जिंग नहीं थी। तो ये सिर्फ कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, ये ज़रूरी नहीं है कि USB टाइप सी मिल गया तो उसमें फास्ट चार्जिंग होगी, काफ़ी तेज होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर हम बात करें कि USB टाइप सी हर चीज़ को रिप्लेस क्यों कर रहा है, हर टाइप की USB को रिप्लेस क्यों कर रहा है, तो सबसे पहली वजह है कि ये काफ़ी कम जगह लेता है। जो पोर्ट हैं, जो आप USB पोर्ट देखेंगे वो काफ़ी बड़ी जगह लेते हैं, लेकिन USB टाइप सी बहुत ही कम जगह लेते हैं, तो वहाँ पर इस वजह से USB टाइप सी ज़्यादा है। और दूसरी बात है कि इसमें पावर और स्पीड दोनों काफ़ी ज़्यादा हैं USB टाइप ए और बी से। और तीसरी जो चीज़ है वो ये है कि ये रिवर्सेबल है, मतलब आप इसको ऊपर से लगाएं या नीचे से लगाएं, मतलब किसी भी साइड से लगाएं तो ये फौरन लग जाती है। ये नहीं है कि आपने एक ही साइड से लगानी है और आप दूसरी साइड से लगा रहे हैं तो लग नहीं रही है, तो वो चीज़ बहुत परेशान करती है। तो इस वजह से हर एक कंपनी शिफ्ट हो रही है USB टाइप सी में। तो दोस्तों, बस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको इस पूरी डिटेल वीडियो में समझ में आ गया होगा कि USB टाइप सी कैसे काम करती है, क्यों वो ज़्यादा अच्छी है, और USB टाइप सी के सारे वर्जन समझ में आ गए होंगे, और वर्जन और टाइप कैसे अलग अलग हैं वो भी आपको समझ में आ गया होगा इस वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी मजेदार वीडियो रोज लाते रहता हूँ। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्प्रेड पीस, लव एंड हैप्पीनेस।